गाजियाबाद में अचानक से एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मौका दशहरे का है, बुराई पर अच्छाई की जीत का है, लेकिन गाजियाबाद के इस परिवार को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। यहाँ पर ये हुआ सर, जिस टाइम मैं निकला हूँ अपने घर में से तो एकदम बहुत तगड़ी आवाज हुई और यहाँ धूल मिट्टी इतनी थी तो कुछ दिख नहीं दिया। सुन तो लिया होगा आपने, धमाका कितना तेज था। और इस तस्वीर को देखिए, धमाके की बात की है, चारों तरफ धूल मिट्टी और सहमे हुए लोगों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जहां पूरा देश दशहरे का त्योहार मना रहा है और इसी बीच एक जबरदस्त ब्लास्ट की आवाज आती है। इसके बाद चीख पुकार मचती है, आवाज आती है, हमें कोई तो बचा लो। मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के लोनी इलाके के बबलू गार्डन निठोरा में इस परिवार को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक हुए ब्लास्ट से सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त घर में अचानक गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से मकान भरभराकर गिर गया और मलबे में दबकर दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि हादसा उस वक्त हुआ जब घर में 5 लोग मौजूद थे। हालांकि ब्लास्ट होने के तुरंत बाद मौके पर लोग पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची, बुलडोजर की मदद से मलबे से दबे लोगों को बाहर निकाला। खुद आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। हादसा बड़ा था, इसीलिए सीएम के सख्त आदेश थे, घायलों को उचित इलाज मिल सके। आदेश सीएम का था तो पालन तो होना ही था। अधिकारी बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। अब सवाल यह है कि सिलेंडर फटा कैसे? आने वाले दिनों में शायद इसका जवाब मिल भी जाए, लेकिन हादसे में जान गंवाने वालों की जिंदगी को कौन वापस लाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ पर ये हुआ सर, जिस टाइम मैं निकला हूँ अपने घर में से तो एकदम बहुत तगड़ी आवाज हुई और यहाँ धूल मिट्टी इतनी थी कि कुछ दिख नहीं दिया। एक बच्चा 10-12 साल का सामने सोफे पे बैठा हुआ था, आगे तो वो तो सेफ था, नीचे से आवाज आ रही थी हमें निकालो, बस इतनी आवाज सुनी। इतने में पब्लिक आ गई, सबने निकालना शुरू कर दिया। कि परिवार के लोग कितने थे अंदर? परिवार के ऐसे लगा लो, एक तो मुनीर खान की बीवी जी, एक लड़के की बीवी, एक लड़के की बीवी, एक उनकी लड़की जवान है जी, आगे में और 2 बच्चे हैं उस पर, लड़की पे, वो लड़के की बहू पे, ये 5-6 जने थे उसके अंदर। ये सामने किराएदार है, अच्छा, ये भी वहीं रहते थे, खाना पीना इनका सब वहीं बनता था। अब ये मुझे नहीं पता कि अंदर 5 या 6 जने तो इनके घर के, बाकी ये हो सकते हैं। तो इसमें महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं? ये लगा लो आप, मुनीर की बहू, मुदस्सर की बहू, एक लड़की, 2 उसके बच्चे, 5 तो ये हो गए जी। और सर ये तो घायल अवस्था उनको लेकर गए थे यहाँ से? हाँ सब घायल है। क्या स्थिति है, कुछ जानकारी हुई अभी? सर इतनी भीड़ में कोई पता ही नहीं चल रहा। ये जो मकान वाले क्या करते हैं? मकान ऑटो चलाते हैं। वो मकान में नहीं थे फिलहाल? मकान में नहीं थे। कब से रह रहे परिवार यहाँ पर? ये तो काफी टाइम से, जब से कॉलोनी बसी है, सब में पुराने हैं। कितने मंजिल मकान था ये? ये 2 मंजिल। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के सख्त आदेश थे कि घायलों को समुचित इलाज मिल सके, इसीलिए आनंद फानन में अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन आज इस हादसे के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस परिवार की जिंदगी को कोई वापस ला सकता है, क्योंकि मौका खुशी का था। इस परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि पल भर में इनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। सभी जो भी हमारे पास एविडेंस है, जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, वो हम लोग कलेक्ट करती है और हम लोग हर घटना के सभी संभव आयामों के आधार पर अपनी तफ्तीश करते हैं। प्रथम दृष्टया एकदम स्पष्ट है कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाने के कारण घटना हुई। थैंक यू। उसके अनुसार घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी थी और सिलेंडर फटने के कारण जो है मकान गिरने की जो प्रथम दृष्टया जो बात ज्ञात हो रही है, इसमें जो है 4 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 2 लोग घायल हैं,
एक का इलाज जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली और एक का राजेंद्र नगर में चल रहा है। घटना के समय दो बच्चे जो घर से बाहर थे वो सकुशल हैं। सर कोई इनको किसी तरीके की सहायता की भी बात आई है क्या? बिल्कुल, हम लोग जो है इसमें जो भी इनका पूरा डिटेल बना रहे हैं हम लोग, और जो भी अनुमन्य आर्थिक सहायता होगी जरूर प्रदान करेंगे। ठीक सर, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।